तो आज 13 अगस्त है और मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार। रास्ते में आप लोगों को भी सैर करवाती जाऊँगी क्योंकि माशाल्लाह पिशावर काफ़ी सजा हुआ होता है। खैर मैं इस टाइम निकल आई हूँ क्योंकि रात के टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ से जाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बाज़ार मुझे बहुत पसंद है। दस रुपया रखली दुपट्टे रे कमी सुन रही पूरे कमीज दुपट्टा में जुड़ी के सिर्फ दुपट्टा ओसो बने और कभी दादू रंगू ने दी पकी। इस टाइम मैं शौकत क्लॉथ हाउस के साथ खड़ी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है सदर में। हर कोई इस शौकत को जानता है क्योंकि इसके टिकटॉक पर भी वीडियो वगैरह हैं। तो इनके पास मैं कपड़े देख रही थी। बड़े अरसे बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। इनके पास कपड़े अच्छे होते हैं, नई न्यू डिज़ाइन होते हैं। دابلی پچار راجی کمیز تو پٹا خوٹی را زیاد خوری سور چوری میرے پاس شرٹ پوری اچھا میں نے پہنی بھی نہیں ہے یہ لون سلک شلوار خیر میں ان سے کچھ لینا نہیں تھا، یہ پیرالا مارکیٹ ہے۔ یہاں پر میں کپڑوں کے ساتھ میچنگ شلوار انر کا کپڑا دیکھنے آئی تھی۔ میں جب بھی لیتی ہوں تو پھر ان سے لیتی ہوں۔ ان کا کپڑا اچھا ہوتا ہے، کتان سلک ان کے پاس اچھی والی ہوتی ہے۔ میں جب بھی کچھ میچنگ مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں آ کر کر لیتی ہوں۔ ان کے پاس کلر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں مجھے یہ والا کلر اچھا لگ رہا تھا، یونیک سا کلر تھا، پلین سوٹ کے لیے بہت پیارے پیارے کلر ہیں۔ اچھا ان کے پاس ٹو ٹون میں بھی کپڑے ہیں، جیسے یہ میں دکھا رہی ہوں یہ ایسے ڈبل شیٹ والے کپڑے ہیں جو بہت پہلے ہوا کرتے تھے، اب ان کے پاس یہ والے بھی ہیں۔ इनके पास मुझे मुकेश वाले दुपट्टे बहुत प्यारे लग रहे थे और वो भी खाड़ी नेट के ऊपर। फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी। हालांकि हम शिफॉन पे तो लेते रहते हैं, नेट पे भी लेते रहते हैं, मगर प्राइस खैर ज़रा मतलब ज़्यादा थी, 5,500-6,000 आजकल तो मुकेश की वैसे भी प्राइस ज़्यादा है। तो क्यों ना अच्छी बात यह है कि हम मुकेश की जगह ये वाले कपड़े ले लें, क्योंकि इनके पास मैं इनसे मैं पहले भी कपड़े लेकर गई थी जो आपको सबको बहुत पसंद आए थे। अब इनके पास ये वाइट वाला भी आ गया था जो कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब वाइट मुकेश गोल्डन तो थे लेकिन अब वाइट भी आ गए। मुकेश वाले कपड़े आपको मैंने गोल्डन में दिखाए थे, अब उसमें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे, अब कुछ ही डिज़ाइन रह गए हैं। वही बात है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। अब इसमें वाइट में तो दो तीन डिज़ाइन थे मगर मुझे गोल्डन में ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। ये कह थे कि हम लोगों ने इस तरह का डाई भी करवाया है, वो भी मुझे दिखा दे कि उन्होंने डाई कैसे करवाया है। फैंसी कपड़ों की वैरायटी आप लोगों को सदर बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। काफ़ी शॉप्स के पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, महंगे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। अब ये वाला दुपट्टा मुझे मैच करके दिखा रहा था कि ये वाला दुपट्टा आप ले लो और वो वाली शर्ट ले लो। ये दुपट्टा भी अच्छा लग रहा था, एक ही दूसरा इसके बाद दिखा के दुपट्टा वो भी बहुत प्यारा था। बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। अच्छा ये कलर इन्होंने खुद डाई करवाया था। अब ये इन्होंने डाई करवाए थे और ये भी अच्छा लग रहा था, कलर भी प्यारा है। मैंने खुद एक डाई के लिए दिया है, इंशाल्लाह जैसे ही वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इधर ही डाई वाले भी हैं मगर वो उन्होंने अभी तक दुपट्टा किया नहीं था। तो ये वाला डिज़ाइन था इनके पास लेकिन मुझे दुपट्टा ये वाला चाहिए था। मैंने कहा कि वैसे मुझे ये दुपट्टा दे दो, साथ में वो वाली शर्ट दे दो। और मुझे एक फिर मुकेश में भी चाहिए था, वाइट मुकेश में मुझे चाहिए था। इसमें एक ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़रा बड़ा बड़ा मुकेश है जैसे दुपट्टे पर मैंने आप दिखाया खाड़ी नेट की, उस तरह इसके ऊपर भी बड़े बड़ा मुकेश लगा हुआ है। तो इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। अब ये दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ?
तो यहाँ से तो मैंने ले लिया है दुपट्टा और शर्ट, और इन्हीं से मैंने शलवार का कपड़ा भी ले लिया था वाइट में, वो भी डाई होता है अच्छे वाली जो क्रिप कपड़ा है वो मैंने ले लिया है। उसके अलावा फिर ये मुझे दिखा रहा था दुपट्टे, क्योंकि इस दुपट्टों की बड़ी डिमांड है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपको पीरालम मार्केट इस तरह की मार्केटों में आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। अब इनके पास ये डाई वाले दुपट्टे मिल रहे हैं और 6,000 रुपये इसकी प्राइस है, मतलब अच्छा है, हाथ से काम किया हुआ है। कुछ कुछ दुपट्टे में कुछ रफ सा काम हुआ है, ज़ाहिर है इतने मतलब हाथ से काम, इतनी मेहनत है, तो फिर वो बनाने वाले की अपनी मर्ज़ी है कि दिल से काम करे या दिल छुड़ा के काम करे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी। कलर इनमें बहुत ज़्यादा थे तो इस शॉप पर मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको कुछ सबसे अच्छी मुझे जो चीज़ लगी है, जो मैंने खुद ली है, तो यकीन करें कि आप लोग भी जब देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर, यहाँ तो फिलहाल हम दुपट्टे ही देख रहे हैं। वैसे आइडिया लेने के लिए भी अच्छा है, इतनी मेहनत का काम तो है, लेकिन बंदा एक दुपट्टा अपने लिए भी बना ले, कोई नहीं, लग जाएंगे महीना दो महीने लग जाएंगे, लेकिन ये कि अपने दिल से बनाएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। तो खैर, इनके पास डाई दुपट्टे थे, हर कलर में इनके पास वेराइटी थी, बस हमने लेना नहीं था, वैसे ही हमने देखना था, आइडिया लेना था, तो हमने देख लिए थे, कलर इनके पास थे, तो बस यहाँ पर मैं दुपट्टे भी देख रही थी, साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे कि कौन से दुपट्टे पे किस किस्म का काम है, मतलब ऊपर जो ये काम हुआ हाथ वाला वो हम देख रहे हैं, ताकि फिर अगर हमें अपना बनाना होगा तो हमें पता तो लगे जाएगा कि क्या चीज़ लगानी है। अब ये भी इंडियन बनारसी टाइप का कपड़ा है, ये भी डाई होते हैं। वैसे ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं वही कहती हूँ कि ये वाइट ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह के कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तो ये भी ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था, इनके पास नया माल आया हुआ था कराची से, तो वो मैं देख रही थी, क्योंकि कभी कभी आप लोग को अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये प्योर है इसलिए इसकी कीमत 9,500 रुपये का शर्ट दुपट्टा मतलब ये कह रहे हैं, और वैसे इतनी ही प्राइस इसकी मुनासिब है, क्योंकि डिज़ाइनिंग के पास बहुत ज़्यादा थे। अभी इन्होंने माल जो है तो डिस्प्ले नहीं किया हुआ था, अभी इनके पास माल आया ही था और मुझे अच्छा लग रहा था, तो बस फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे बताया कि एक शॉल आई हुई है जो कि अतलस बनारसी शॉल है, एक ये वाली मुझे दिखा रही है, तो जामावार शॉल है, ये भी अच्छी थी, मगर इसके बाद जो शॉल मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, यकीन करें कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह की शॉल आप प्लेन सूट के साथ भी ले सकते हो, वेलवेट के सूट के साथ भी ले सकते हो, वैसे भी सेट पर ले सकते हो। अच्छा जी, तो ये वाली वो शॉल है जो यकीन करें कि मेरा दिल ही ले गई है। ये अतलस की बनी हुई है, बिल्कुल प्योर है, इसको देखते साथ ही मैंने कहा कि आप ये शॉल तो मुझे लेनी ही लेनी है, ये बहुत लाइट वेट, कोई इसका वज़न नहीं था, पीछे से भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी सफाई है, इसमें कुछ ही डिज़ाइन के पास रह गए हैं, और ये अगर आप लोग आशीन जाकर लोगे तो यकीन करो कि 15,000 से कम आपको ये शॉल बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब ये वाला डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, कुछ ही डिज़ाइन इनके पास थे, और ये बिल्कुल प्योर है, कोई दो नंबर की मतलब शॉल नहीं है, अक्सर आ जाती है, कापी भी आ जाती है, रेप्लिका भी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर में है। और फिर इन्हीं शॉल के साथ ये लोग प्योर में सूट भी दे रहे हैं, जो कि शॉल भी डाई होती है, सूट भी डाई होते हैं, लेकिन ये सूट, ये शॉल इतनी खूबसूरत है कि आप किसी भी फंक्शन में जाने, आप कोई भी फैंसी अपने सूट पहनाओ सर्दियों में, और आप साइड पर ये वाली शॉल ले लें, तो यकीन करें कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से ली है। तो इस तरह की लोकल मार्केट्स में इस तरह की शॉलें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, और आप किसी बड़े मार्ट से जब लेंगे, मतलब बड़ी शॉप से आप लेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो बस यहाँ पर तो उन्होंने मुझे शॉल की वैरायटी दिखा दी है, अब जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई इस गोटे वाले दुपट्टे की, जो कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने खोल के देख लिया है। अक्सर मुझे पूछते हैं ये जो इसको क्या कहते हैं किनारी वाले दुपट्टे, तो ये वो किनारी वाले दुपट्टे हैं, बड़े साइज़ के दुपट्टे हैं,
मतलब इसकी विड्थ और लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। डिज़ाइन इसमें बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये वाले डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छी बात यह है कि ये भी डाई हो सकते हैं, आप किसी भी कलर में इसको भी डाई करवा सकते हैं। तो खैर वही बात है कि दिल है हर एक चीज़ पर आ जाता है। अब हर एक कपड़े अच्छे लगते हैं और बस औरतों की तो कमज़ोरी होती है प्यारे प्यारे कपड़े देखना, प्यारे प्यारे कपड़े लेना। तो बस फाइनली फिर मैंने शॉल जो है मैंने लेनी थी, मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि मैं कौन सी लूँ। अब ये एक ही डिज़ाइन के पास रह गया था तो बस मैंने कहा कि मैं यही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। और कभी कभी आपको इस तरह की चीज़ कभी कभी मिलती है, हर टाइम नहीं मिलती। तो इनके पास ये कुछ डिज़ाइन है शॉल की और ये लास्ट डिज़ाइन है। तो कोई भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर ले क्योंकि ये चीज़ फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। और ज़ाहिर है इसका सीज़न आगे है, मतलब सर्दियों में इसका सीज़न है। सर्दियों में मतलब इस तरह की शॉल लेते हैं तो फिर ये कि वैरायटी और भी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन फिर ये होता है कि वो चीज़ जो है तो आपको महंगी मिलती है। अब ये सीज़न ऑफ है इस वजह से ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शिंगाई वाले सूट शेयर किए थे, मैं ख़ुद अपने लिए कराई हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी शिंगाई के सूट लिए। अब आप लोगों को शिंगाई के सूट कहीं पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जो कपड़े थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। अब आ जाएंगे नए सर्दियों के लिए आ जाएंगे, मगर वो डिज़ाइन जो था बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन नहीं होगा। दूसरे की कीमत भी फिर बढ़ जाती है। तो बस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, कुछ भी सामने आ जाए पसंद आ जाए तो बंदे को चाहिए कि वो ले लें। तो खैर यहाँ से हमने एक के बजाय दो शॉलें ले ली क्योंकि मुझे दो ही पसंद आ गई थी। तो मैंने कहा कि बस चलो मैं दो ही ले लेती हूँ। इसके साथ ही हमें सूट दिखा रहा था जो कि सूट भी बिल्कुल प्योर में है। ये सूटों में भी गोल्डन कलर है, डिज़ाइन इसमें बहुत ज़्यादा थे मगर ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन हमारी शॉल थोड़ी डार्क कलर में थी, डार्क गोल्डन में थी, इसलिए हम उनसे कह रहे थे कि हमें डार्क गोल्डन में दिखा दे। खैर सूट इतना मसला नहीं करते, वो फिर आप कभी भी ले सकते हो। प्लेन सूट सबसे बेहतर है। आप प्लेन सूट लेकर आगे कुछ बटन लगा ले फैंसी से और बस पलटा मलटा लगा के तो आप पहन ले। तो बस एक हमें ये वाली शॉल पसंद आ रही थी, एक वो नीचे वाली मुझसे गुम हो गई। मैंने कहा कि वो मुझे निकाल के दे दो क्योंकि वो मुझे अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने आज दो शॉलें ले लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा इसके साथ ये वाला डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था सूट के साथ, ये डिज़ाइन ये दिखा रहा था कि ये साथ में ले लो। आज हमारी एक ही शॉप में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया क्योंकि इसके पास वैरायटी इतनी ज़्यादा थी इन फैंसी कपड़ों की कि बंदा के कि ये भी मैं देख लूँ वो भी मैं देख लूँ, इसी में सारा हमारा टाइम लग गया। खैर मुझे शॉपिंग और भी करनी है, बस जल्दी से यहाँ मैंने सारा काम ख़त्म किया। यहाँ से मैंने मुकेश की शर्ट ली है, वाइट कलर की मुकेश की, और साथ में गोल्डन कलर की मुकेश की शर्ट ली है। दो मैंने यहाँ से शॉल ली है, एक मैंने इनसे नेट का दुपट्टा लिया है। नेट का दुपट्टा मैंने वो वाला लिया जो कि डाई होता है क्योंकि एक मेरी बहन है वो मुझसे मांग रही थी कि मुझे नेट का दुपट्टा चाहिए, मगर मुझे ऐसे दुपट्टा चाहिए जो कि डाई होता हो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2.5 गज का तो दे दूँगा लेकिन नेट का दुपट्टा डाई होने के बाद श्रिंक हो जाते, इसलिए आप ऐसे करो कि 2.5 गज ले लो। तो मैंने खैर इनसे 2.5 गज का ये नेट का दुपट्टा, 1000 का ये दुपट्टा मैंने ले लिया। बस यहाँ पर हमारी हो गई शॉपिंग कम्प्लीट। तो ये है शफी मार्केट और कभी कभी बिल्कुल भी रश नहीं होता। आज भी गर्मी ने हद ही कर ली, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर हमें काम करना था, काम के लिए निकलना था तो बस काम हमारा कंप्लीट हो गया था। अब मैं आ गई थी वही लाइट वाली जो शॉप है, इनके पास मैं कपड़े लेने के लिए आई थी क्योंकि वो लाइट वाले कपड़े आप लोग सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये ब्रोश है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें ये वाला कलर भी है। बस खैर हमने वो भी ले लिया है। अब निकल पड़े हैं गोरा बाज़ार की साइड पर क्योंकि यहाँ पर मैंने कटवर्क के लिए दुपट्टा दिया था, मैंने वो दुपट्टा लेना था और एक दूसरा दुपट्टा साथ में देना था। तो ये आ गए हम शॉप पर, कटवर्क की शॉप पर। और यकीन करें कि गर्मी की वजह से दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, बस इसको मैंने कहा कि जैसे मेरा दुपट्टा दे दो, एक मैंने दूसरा भी दिया है। ये गोरा बाज़ार ही में शॉप्स हैं, आपको कहीं शॉप इस तरह मिल जाएंगी। और इसके ऊपर हर डिज़ाइन का कट वर्क अगर आप लोग करवाना चाहो तो 1500 रुपये से ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं करते, मतलब 1500 रुपये की आप लोगों को कट वर्क करके देंगे। तो मैंने एक दुपट्टा लिया ही, एक दुपट्टा मैंने उनको दे दिया है। अब मैंने सोचा है बच्चों ने फ़ोन किया हमारे लिए कुछ शामी बर्गर ही लेकर आ जाओ, तो शामी बर्गर तैयार होते होते हम लोगों ने खा लिए दही भले। और खाने को तो दिल नहीं चाहता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मगर फिर भी जब इंतज़ार करते तो बंदा कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ खा लें। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खा लिए थे दही भल्ले और बस शुक्र है आज हमारा काम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और दोबारा से हम जा रहे हैं घर और अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।